Hi guys, I'm Sanjay Kumar Singh. I've been your teacher for a very long period of time. And prior to that, I was part of the Indian Army, MHK, and a lot of other credentials जो मैंने time के साथ आपको बताए हुए हैं. Today I have the opportunity to be at the Jallianwala Bagh. And behind me, अगर आप देख सकते हैं, स्मारक देख सकते हैं आप Jallianwala Bagh का. And if the the videographer can show the signs where the bullets were shot. So these are the signs where the bullets, different bullets were shot. And giving you a brief about the Jallianwala Bagh massacre, this serious event happened on 13th April 1919. And just giving a brief about it, if you know the two nationalist leaders, Saifuddin Kishlu and Satyapal, उनको arrest कर दिया गया था. और उनके arrest करने के बाद यहाँ पर एक peaceful meeting हो रही थी. और peaceful meeting के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक gate से entry होती थी. उसके अंदर आपके General Dyer, वैसे तो कहाँ के General रह गए, वो Dyer अंदर आया और उसने अपनी बंदूकों से निहत्ते लोगों को मारा था. And there are various signs which you can see out here. These square boxes are the signs which the videographer can show it in a very focused manner to you guys. These are the आपको अभी सारे दिख रहे हैं, ये तो आपको square boxes दिख रहे हैं. तो यहाँ पर गोलियां चली थी, अभी भी निशान बने हुए हैं, ठीक है. और पीछे आपको एक पिंक कलर का टेम्पल टाइप दिख रहा होगा, ठीक है. तो वो जो पिंक कलर का, इफ द वीडियोग्राफर कैन शो दैट पिंक टेम्पल, ठीक है, वो जो आपको दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो दी प्लेसेज जहाँ पर लोग, एक नाला बना हुआ है जिसमें वो कूद गए थे. राइट नाउ जो आपका कुआं है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग कूदे थे, उसको बंद करा गया हुआ है, ठीक है. वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये स्मारक यहाँ पर बना हुआ है. एंड आई एम होपिंग कि इन दी कमिंग टाइम द ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड, वो अपॉलोजी देंगे इसके ऊपर, क्योंकि आज तक एक भी फॉर्मल अपॉलोजी नहीं आई है. हालांकि अभी ब्रिटेन के लीडर ने बोला है कि अगर इफ ही बिकम्स दी प्राइम मिनिस्टर, ऑफिशियल अपॉलोजी फॉर दी हीनियस जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था उस पर आएगी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द प्लेस ऑफ दी शौर्य ऑफ इंडिया, जहाँ पर हमारे काफ़ी सारे निहत्ते लोगों ने अपना बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए. थैंक यू वेरी मच.